हाँ जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को ठीक है जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन में से आपका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है स्पूटम का कल्चर टेस्ट जो करवाते हैं क्योंकि स्पूटम के तीन चार तरह से टेस्ट होते हैं उसका ए एफ बी स्मियर होता है उसकी साइटोलॉजी एग्जामिनेशन होता है फिर नॉर्मल जो स्पूटम का टेस्ट होता है मतलब उसको देख के कि येलो है वाइट है कौन सा है तो उसको भी आपने याद रखना है कि जो आप वो बहुत इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पूटम ए एफ बी टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज अच्छा ए एफ बी स्टैंड फॉर एसिड फास्ट बेसिलई और ये वो टेस्ट है जो आपके टीबी को कंफर्म करता है ठीक है फॉर ट्यूबरक्लोसिस इसका अर्ली मॉर्निंग में जो है वो तीन दिन कंजेक्टिव इसका जो है वो सैंपल लिया जाता है जिसकी बेस पे कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को टीवी है ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के लिए आप स्पूटम का ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेकिन स्पूटम साइटोलॉजी उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन uh, होता है तो स्पूटम टेस्ट तो होता है लेकिन स्पूटम साइटोलॉजी जो ग्राम स्टेनिंग वगैरह हैं वो लो रेस्परेटरी ट्रैक यानी कि ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई वगैरह इनका जो आ, है और यहाँ लंग डिजीज जो है एस्परजिलस लंग डिजीज उसके लिए आप ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करवाते हैं स्पूटम का और अगर स्पूटम की हम बात करें तो स्पूटम ना तीन कलर में हम लोगों को बेसिक जो हम कहते हैं वाइटिश येलोविश एंड ग्रीनिश जो आपकी वाइटिश होती है ना वो नॉर्मल अगर आपको कोई एलर्जी से या आपको फ्लू हुआ हुआ है वायरल बेसिकली उसकी वजह से आपका कलर जो स्पूटम का होता है वो वाइटिश कलर होता है लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपका वो कलर ग्रीनिश होगा ठीक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कलर जो है वो ग्रीन होता है लेकिन इसके बरक्स अगर बहुत क्रॉनिक हो जाती है वो तो येलोविश होना शुरू हो जाता है येलोविश आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो करता है और अगर उसमें थोड़ा सा ब्लड टिंद हो जाए तो वो आपका रस्टी सा कलर बन जाता है स्पूटम का ठीक है तो एक टर्मिनोलॉजी जो आपने आ, इसके लिहाज से याद रखनी है रेस्पिरेटरी में अगर आपके स्पूटम में ब्लड आता है तो उसको हम बोलते हैं हिमोप्टिस ठीक है ये वर्ड आपने ये टर्म आपने याद रखनी है हिमोप्टिस आगे मिलीना की आएगी अः की आएगी तो वो सारी आ जाती है आपके जी टी की इसके लिए टर्म हिमोप्टिस है स्पूटम विद ब्लड उसको कहते हैं हिमोप्टिस रूटीन चेस्ट फिल्म इज टेकन अच्छा जी आप MIT के हैं तो आपके लिए रेडियो, रेडियोलॉजी की जितनी इन्वेस्टिगेशन है और फिर उसको हम क्यों करवाते हैं वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पेज है बुक में आपके वहाँ पे एक्सरे को उन्होंने थोड़ा सा बहुत वेल well डिफाइन लिखा हुआ है कि एक्सरे की कौन कौन सी फिल्म किस लिए करवाते हैं आ, आ, किस मकसद के लिए करवाते हैं सिटी का भी लिखा हुआ है फिर और जो इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन लिखा हुआ है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसको आपने अच्छे से रीड करना है एपी पी ए लेटर ये तीन व्यूज होते हैं एपी व्यू जो होता है आपका वो जो है क्या कहते हैं नॉर्मल बच्चों में हम लेते हैं एपी व्यू वजह ही होती है कि उनमें कार्डिक साइज छोटा ही होता है और उसका जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कार्डियो मगैली है या नहीं है तो एडल्ट्स में हम लोग जो है वो कौन सा व्यू करवाते हैं

कोई पीए में कोई नॉर्मेलिटी पीए व्यू में आती है तो हम साथ लेटरल भी करवा लेते हैं टू डायग्नोज परमानेंट एबोलिज्म विच टेस्ट इज परफॉर्म अच्छा आपने जो है अगर आ, टेस्ट परफॉर्म करना है परमानेंट एबोलिज्म को देखने के लिए तो वो वी स्कैन आप करवाते हैं वैसे तो आप जो है आ, स्कैन भी करवा सकते हैं भी उसमें आपको मिलता है। इसके अलावा आप भी करवा सकते हैं तो उसमें भी पलमनरी ये न्यूक्लियर मेडिसन का स्कैन है तो वो आपको हेल्पफुल होता है पलमनरी एम्बोलिज्म के लिए जिसमें आप प्रोफ्यूजन आपको डिमिनिश मिलती है ठीक है क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती ना पीए की वजह से तो वो उसमें आपको Uh, जो है प्रोफ्यूजन जो है वो डिमिनिश मिलेगी रिलेटिव टू वेंटिलेशन पी एफ टी फंक्शन टेस्ट की तरफ आते हैं पलमनरी फंक्शन टेस्ट जो है इट इंक्लूड्स एयर रेट लंग वॉल्यूम

को टॉपिक को जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा हो सकता है वो कई बार ऐसी की उसमें पूछ लेता है, राइट मतलब पहले बता दिया टेस्ट, है आगे आप कोई भी टेस्ट पढ़ेंगे या जी में आप टेस्ट पढ़ते हैं तो वो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसमें भी पूछते हैं तो ये जो है आपने इसमें भी पढ़ना है कि आप इंडिकेशंस क्या होती हैं पलवर्नी फंक्शन टेस्ट की और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं आप इससे क्या क्या देख सकते हैं परमानी फंक्शन टेस्ट से आप गैसवेस दे सक, एक्सचेंज देख सकते हैं फिर आप उसकी वेंटिलेशन फिर उसमें डिफ्यूजन जो गैसेज की हो रही होती है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जो uh, कंट्रेक्शन की कैपेबिलिटी होती है या ट्रांसफर की कैपेबिलिटी uh, होती है डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन uh, के जरिए ही वो कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो <coughs> उसको भी आप देख सकते हैं द कंडीशन करेक्टराइज बाय क्रॉनिक परमानेंट डाइलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई अच्छा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई है डायलिटेशन है तो वो ब्रोंकियल एक्ट्रेसिस होता है

तो कफ के साथ सिक्रीशन तो एक्सपेक्टोरेंट होती है तो एक्सपेक्टोरेंट आपकी स्पूटम ही होती है फॉर लास्ट सिक्स मंथ प्रेजेंटेड विद द डिटेरिएटिंग हेल्थ ही इज स्मोकर फिब्राइल उसका बीपी 130 बाय 85 अच्छा बीपी नॉर्मल है साथ उसने कह दिया कि वो स्मोकर है अब एक चीज याद रखिएगा जो सीओपीडी होता है वो आपका एक पेट उसकी जो कह लें कॉज उसमें जो आता है वो स्मोकर आता है जब सीओपीडी का एक्सरे करवाते हैं ना तो उसको भी हम कह देते हैं ये स्मोकर्स चेस्ट है क्योंकि वो बहुत इंटेंस ब्लैक एक्सरे होता है उसका ठीक है तो आपका कफ विद विदेक्टेशन हो लास्ट सिक्स मंथ से है फिर वो स्मोकर भी है है और सीओपीडी जो वो प्रोग्रेसिवली पेशेंट जो है, uh, रहा है उससे इफेक्ट uh, होता है और उसकी हेल्थ होती है तो सीओपीडी थर्टी फाइव ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद्री ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड कफर लास्ट थ्री मंथ examination of respiratory system is normal a diagnosis of tuberculosis is made which of the following feature on chest x ray ye na humne difference padha tha uh, ke cavitation ho to kya hota hai consolidation ho to kya hota hai hilar congestion ya कोई bronchial एक्टिस हो तो उनमें किस तरह से आपके आ, जो है वो क्या कहते हैं changes मिलते हैं chest x ray पे तो cavitation जो है वो आपकी अगर हो तो वो टीबी को जो है वो क्या कहते हैं कंफर्म करती है तो चेस्ट एक्सरे पे अगर आपको कैविटेशन मिल रही है तो वो आपका टीबी है अगर कंसोलिडेशन है तो वो आपका नमूनिया होता है ठीक है द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमरी डिजीज तो वो हमने ऊपर भी बात की थी वो जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है वो आपका क्या होता है टोबैको स्मोक बाकी सब भी हैं एयर पोल्यूशन भी कॉजिंग एजेंट है कोल माइनिंग भी इंफेक्शन भी लेकिन जो कॉमन सबसे है वो टोबैको स्मोक है अ फोर्टी ईयर ओल्ड वुमन गिव्स हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर लास्ट थ्री वीक्स अकंपेंड बाय ड्राई कफ नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस अटर्नल स्वेट्स भी हैं वेट लॉस भी है चेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉर्मल एब्नॉर्म एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हपैस प्लेनो मैगेली चेस्ट एक्सरे शोज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइन नोड्यूल्स अच्छा जी जो टीबी की जो ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनमें एक जो होती है वो मिलरी टीबी होती है मिलरी टीबी क्या होती है कि जिसमें आपको स्मॉल 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 स्पॉट्स मिलते हैं चेस्ट पे और उसकी वजह से जो मिलरी टीबी होती है वो और अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है तो उसके साथ आपके पेटोस्प्लीनोमली भी हो सकती है तो ये आपका क्या होता है मिलरी टीबी चेस्ट एक्सरे पे अगर आपको फाइन नोड्यूल्स मिल रहे हैं तो वो आपकी मिलरी टीबी होगी चेस्ट एक्सरे पे अगर आपको Uh, जो है वो uh, क्या है कहते हैं उसको कैविटेशन मिल रही है तो वो आपकी एक जर्नल टीबी जो जनरल टीबी की हम लोग प्राइमरी टीबी टीबीलोसिस की बात करते हैं वो थी लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फाइन नोड्यूल्स की तो वो आपके मिलरी टीबी होती अगर कंजेशन मिल रही है कंसोलिडेशन मिल रही है तो वो आपका नमूनिया है ट्वेंटी ईयर ओल्ड गर्ल

आईस पे उसके इफेक्ट हुआ, हुआ है तो आप ये कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से आपके आईज पे इफेक्ट होता है यानी कि कौन सी ड्रग ऐसी है टीबी की जिसकी वजह से आपको विजुअल इफेक्ट्स आते हैं उसके आ, ये साइड इफेक्ट्स हैं तो आपकी जो टीबी की ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स उसमें आइसोनियाजिड है रिफेम्पिन है इथेम्ब्यूटोल है पायराजीडोर स्ट्रेप्टोमाइसिन है जबकि इथेंबोल जो है उसकी वजह से आपकी विजुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं की वजह से आपके जो है वो ए एल टी एस टी रेस हो सकते हैं रिफेम्पिसिन की वजह से प्लेटलेट्स पे इफेक्ट हो सकता है ए एल टी एस टी हो सकते हैं इथेम्बियो की बात की तो वो विजुअल आप पे इफेक्ट रखती है और रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम होगी वही विजुअल इफेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है फिर पैराजीनामाइड बी एल और यूरिक एसिड में प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्रिटिन पे आपके और आपकी जो ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं या एट्थ नर्व को वो डैमेज कर सकती है ठीक है तो ये आपने पढ़ना है लाजमी टेबल आपकी बुक पे दिया हुआ है द टीबी डेट इज कॉज बाय द इंजेस्टेड मिल्क अच्छा जी टीबी की हम लोगों ने जो कॉजेज हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो है स्प्रेड इसका डायरेक्ट स्प्रेड भी होता है और इसका इनडायरेक्ट स्प्रेड भी, होता है, और वाया भी होता, है। तो होता है अच्छा जी ये मैंने एक चेस्ट एक्सरे आप लोगों को दिया हुआ था तो चेस्ट एक्सरे आपका ये इस तरह से आपको इमेज वो दे सकता है मे बी वो आपको ऐसी क्यूज में दे दे और पूछ ले कि इसका डायग्नोसिस बता दें या वो आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज में दे, दे। हम लोगों को सिटी का इमेज सिटीन का इमेज दिया था और उसके उसने ना ऐसे उसके स्ट्रक्चर्स uh, मार्क कर दिए थे और पूछा था इनको आप uh, जो है वो क्या कहते हैं हाईलाइट करो इनको मार्क करके बताएं कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं तो ये आपका चेस्ट एक्सरे है विद डेक्सट्रोकार्डिया एंड साइटस इनवर्सिस अच्छा इसको हमने साइटस इनवर्सिस क्यों बोला था साइटस इनवर्सिस इस तरह से हमें पता लगा कि ये जो आपको इस साइड पे बबल नजर आ रहा है गैस बबल वो आपका आ, जो हार्ट की राइट साइड पे यहाँ पे अभी जो है मार्कर नहीं मिल रहा मुझे कोई अच्छा हार्ट के जो एपेक्स है उसके बिल्कुल नीचे आप लोगों को ब्लैक शेडो नजर आ रहा है हार्ट की एपेक्स के नीचे आप लोगों को ब्लैक शेडो नजर आ रहा है यस yes, मैम तो वो जो शेडो है वो बेसिकली आपका स्टमक का शेडो होता है अगर वो आपको लेफ्ट साइड पे मिलता तो आप कह सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस सॉलिटस है लेकिन इसमें क्योंकि हम लोगों को वो लेफ्ट साइड पे नहीं राइट right पे ही नजर आ रहा है जिस तरफ एपेक्स है तो ये साइटस इनवर्सस uh, हो गया तो इसका था डेक्सट्रोकार्डिया विद साइटस इनवर्सस अ 40 इयर ओल्ड मेल

हाँ जी तो ये चीजें आपने ना ये देखें अब यहाँ पे इतनी लंबी हिस्ट्री उसने दे दी लेकिन एक मेन फाइंडिंग उसने बता दी है कि चेस्ट पे क्या मिल रही है कंसोलिडेशन है तो वो लाइकली डायग्नोसिस क्या बना आपका और उसको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म विच डिजीज इज कम्युनिकेबल अच्छा जी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंस होता है कम्युनिकेबल वो होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल नहीं होती तो कम्युनिकेबल जो हमारी बहुत ज्यादा आम है हमारे में वो टीबी पेन राइजिंग फॉर्म प्लूरा इज नाउन एज उसको प्लूरि बोलते हैं प्लूरल फ्यूजन जो है वो कैविटी में फ्लूड का ज्यादा हो जाना है नॉर्मल फ्लूड भी वहां पे होता है plural, fluid, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल प्लोरल हो जाती है एबनॉर्मल नॉर्मल फ्लूड अकोमेशन इन प्लूरल स्पेस इज नाउन एज प्लूरल प्लियल एसाइटिस जो है आपके डोमिनल कैविटी में जो है वो क्या कहते हैं या पेरिटोनियल कैविटी में जो आपका का ज्यादा हो जाना कहलाता है लेकिन आपके पूरी बॉडी में जब पानी हो जाता है जैसे कि आपके एडिमा हो जाता है पीडल एडिमा हो जाता है आपके लेग्स में हो जाता है एडिमा तो ऑल ओवर द बॉडी जो होता है उसको हम कह देते हैं एनएसआर का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है एन भी आना था एनएसआर का मैनेजमेंट ऑफ फ्लोरिस इज ऑल ऑफ अब फ्लोरिसी की जो आपके फ्लोरा की पेन होती है ना उसकी मैनेजमेंट मेन यही होती है कि आप अंडरलाइंग कॉज दे, क्योंकि देइंगसी हमेशा किसी ना किसी और डिजीज की वजह से होती है सेकेंडरी होती लंग कैंसर की वजह से है वो कोई कोईन की वजह से हो रही है या वो किसी भी और ब्रोकेलेक्टिस की वजह से है या किसी भी जो है वो डिजीज की वजह से तो ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग डिसऑर्डर अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो फ्लोरिसी भी जो है उसे ट्रीट हो जाए तो यानी कि पेन Analgesics कहते हैं जो पेन के लिए पेन किलर्स होते हैं ऑल uh, है, है. काइलस भी आ जाती है डिफरेंट टाइप्स हैं तो आपने प्लूरल भी पढ़नी है जो मेन दो की हम बात करते हैं वो ट्रांसोडेट और एक्सुडेट होता है ट्रांसुडेट वो होता है जो प्रोटीन जिसमें लेस होती है और वो किस वजह से होती है उसमें टिक प्रेशर जो होता है आ, वो कम हो जाता है जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है उसकी वजह से वो पुश होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डिफरेंस आने की वजह से जिस तरफ इंक्रीज होता है वो पुश करता है दूसरी तरफ ले, ले, लेसर साइड पे तो वो वहां पे उसमें प्रोटीन जो है वो कम होती है एक्सुडेट जो होता है उसमें प्रोटीन लूज होती है यानी कि प्रोटीन लीक हो जाती है कैपिलरी से कैपिलरी लीकेज की वजह से कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा हो तो उसकी वजह से कैपिलरी से प्रोटीन का जो है वो बाहर आ जाना तो, तो उसको हम कह देते हैं एक्सुडेट यानी कि उसमें प्रोटीन हाई होगी और जो आपका ट्रांसुडेट होता है उसमें प्रोटीन लेस होती है अगली टाइप जो है वो हेमरेजिक हो जाती है जिसमें मिक्स हो जाता है ब्लड का और प्यूरल फ्लूड का और कायलेस इफ्यूजन एक होती है जिसका जो है